सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को आईपीएल 2018 के रोमांचक पांचवें मैच में 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने 203 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और एक गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। धोनी की टीम ने अपने होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर 1065 दिन के बाद भावनात्मक वापसी की और फिर शाही जीत दर्ज की। सीएसके ने इस मैच में कुल 14 छक्के जमाए जबकि केकेआर ने 17 छक्के जड़े। इस पर मजाक करते हुए धोनी ने मैच के बाद कहा, मैच में कई छक्के लगे, मेरे ख्याल से छक्का लगने पर गेंद जब भी स्टेडियम के बाहर जाए तो आईपीएल को बोनस रूप से 2 रन देना चाहिए। धोनी की टीम ने 2 साल के बाद आईपीएल में धमाकेदार वापसी की और अपने पहले दोनों मुकाबले जीते। सीएसके ने आईपीएल के उद्घाटन मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी और फिर अगले मैच में 2 बार की चैंपियन केकेआर को हराया। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।